गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्कूल। आई होप यू एंजॉयड योर वेकेशंस एट योर होम और विजिटेड समवेयर एल्स लाइक योर ग्रैनीज हाउस और समवेयर। बट नाउ यू आर टोटली रिफ्रेश्ड, ओके, योर माइंड इज रिफ्रेश्ड। सो लेट्स बिगिन आवर न्यू चैप्टर of mathematics, chapter number 4, addition. In previous classes you have learnt adding numbers up to 4 digits. Now it's time to add digits more than 4 digits, okay? See how many digits are there in the first row. First, like 1, 2, 3, 4, 5. There are 5 digits in each row. Okay? Similarly, see 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. So there are 5 digit numbers to be added now. See 1s, 10s, 100, 1000, 10,000. So now we have columns more than before. Last year you had only 4 columns. 1s, 10s, 100 and 1000. Now your columns are increasing. See 1s, 10s, 100, 1000, 10,000 and then 1 lakh. Okay? See lakh. So now you are going to add more than 4 digits number. Okay? More than 4 digit numbers. So let's begin addition without carrying. You have already learnt about it. कितने भी कॉलम्स हो हमें इससे क्या मतलब है, आपको बिना कैरी के ही एडिशन सॉल्व करना है. सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ चैप्टर 4 एक्सरसाइज ए. एड एंड राइट देयर नंबर नेम्स. ओके, सी 5, 10,000 मीन्स 5 10s आर 50,000, 7,900, 20 and 1. 2 tens means 20, 1 ones means 1. So what we get? 57,921 plus 42,035. Now let's begin to add them. 5 and 1 is 6, 2 and 3 is 5, 9 and 0 is 9, 7 and 2 is 9, 5 and 4 is also 9. So see, what we get? 99,956. तो हमें इतना मिल चुका है, तो अब आप क्या करेंगे कि जितने विदाउट कैरी वाले एडिशंस थे, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ऐड करना था एंड देन राइट देयर नंबर नेम. नंबर नेम किसका लिखना है आप जानते हो, एक नीचे और ब्लैंक है ना, आपको इसी नंबर को आप अब इन वर्ड्स लिखेंगे. ओके, इन वर्ड्स कैसे, देखिए. सी 99,956, सो राइट इट हियर 99,000. डोंट कमिट स्पेलिंग मिस्टेक्स, यू आर इन अ बिगर क्लास नाउ. 99,956. ओके, यू विल नॉट बी एबल टू राइट ऑल द वर्ड्स हियर, सो टेक अ लिटिल स्पेस एंड राइट इन स्मॉल लेटर्स. ओके, सी 10,000 के कॉलम्स वाले आप सॉल्व करेंगे. नाउ इट्स टाइम फॉर लैक. 5 एंड 3 8, 3 एंड 0 3, 1 एंड 0 1, 7 एंड 1 8, 9 एंड 0 9, 4 एंड 2 6. नाउ लेट्स रीड अलाउड. 6,98,000 बिकॉज द 9 एंड 8 आर इन थाउजेंड्स कॉलम. 100 3 tens 8 ones, सो टोटल is 6,98,138.
Now write them properly. 6,98,138. So this is the correct number name without any spelling mistake. You can see it clearly now. Okay. So solve all the questions and parts similarly. Okay. If there are no number given in any column, then write 0 there. Like this. See, there are no digits. So just think they are zeros at all those places. Okay. So students, when you will solve them in your textbook, just write the number after adding. Don't write number name. Okay, don't write number name. But in textbook, आपको textbook में यहाँ पर ये number name नहीं आ पाएंगे सभी, तो नहीं लिखना यहाँ पर. बस आप इन्हें add करके इस column में इनका answer लिख दीजिए और इस वाले column को blank छोड़ दीजिए सभी में. Okay? और इन numbers name को exercise 4, sorry, chapter 4, addition, exercise A, question number first, अब आप heading डाल देना उसमें, कोई heading भी मत डालना है, काम करना, don't write heading, इन, जब आप इसे fair note करो, तो इस जो number को आपने add करके लिख लिया है, first of all, इन सबको add करके book में ही लिख लेना, only book, only textbook में, notebook में नहीं, fair notebook में नहीं लिखना है. और लास्ट में क्या करोगे कि फेयर नोटबुक ओपन करोगे जब इसका सारा फिल हो जाएगी बुक, और वहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जैसे पार्ट ए है, तो इस आंसर को वर्ड्स में वहाँ लिख देना, बस आंसर को वर्ड्स में उसमें लिख देना नोटबुक में. ओके, ऐसे इन सभी के आंसर्स जब आप सॉल्व कर लेंगे तो इनका क्या करोगे, वर्ड्स को नोटबुक में लिखना. ओके, पार्ट डी सी डी ई एफ ऐसे लाइन बाय स्टेप डालते जाते, ए बी सी डी ई एफ उनके नंबर नेम लिखते जाना. ओके स्टूडेंट्स, वो आपके लिए इजी होगा. अब आप देखिए यहाँ क्या करना है, अरेंज द फॉलोइंग गिवन नंबर्स इन कॉलम्स एंड देन ऐड. अब आपको ये नंबर्स कोमास के साथ सेपरेट कर दी गई दे गई है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले इन्हें कॉलम्स में लिखोगे. कॉलम्स कैसे, ऐसे वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, टेन थाउजेंड, मतलब जितनी भी बड़ी नंबर हो उसे काउंट करके अकॉर्डिंग उसके लिए एक कॉलम बना देना, ओ टी एच टी एच टी टी एच इस तरीके से. ठीक है, स्पेस दे देकर, बॉक्स नहीं बनाना है आपको कोई, बस ऐसे स्पेस दे दीजिएगा और इन सभी नंबर्स को वन बाय वन सभी कॉलम्स में लिख देना है आपको. ठीक है, अब सेकेंड नंबर है उसे सेकेंड कॉलम में लिखना है, जैसे सेकेंड कॉलम में नंबर लिखिए. अब यहाँ पे थर्ड नंबर है, फिर थर्ड कॉलम बनाएंगे वहाँ लिखेंगे. तो जैसे थ्री नंबर्स दे रखी है, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थ्री थर्ड कॉलम, पर हमारे पास अभी कितनी है, वन टू थ्री फोर, तो आपको टोटल कितने कॉलम्स की रोज बनानी पड़ेंगी. ये कॉलम्स होते हैं जो सीधे सीधे हैं और ऐसे लिखते हैं हम नंबर्स, तो ये होती हैं रो. ओके, जो सीधे सीधे इन्हें हम क्या बोलते हैं, कॉलम. ओके, और ये जो सोए सोए हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं पता है, जो ऐसे सीधे सीधे लाइन्स में लिखे हुए हैं इन्हें हम बोलते हैं रो. ओके, तो नंबर्स के लिए पहले कॉलम बना लेना, ओ टी एच टी एच थोड़ा थोड़ा स्पेस देकर, और फिर नंबर्स को ऐसे आप अरेंज कर देंगे इन रोज. ओके, फिर उनके आगे एडिशन सिंबल प्लस लगाकर उन सभी नंबर्स को ऐड करके लिख देंगे. ओके, सिर्फ आपको इतना ही करना है. तो आप अरेंज कर लेंगे कॉलम्स में, सिर्फ लास्ट में क्या करेंगे, ऐड. अब इसमें उसने नहीं बोला है कि नंबर नेम लिखो, तो इनके नंबर नेम मत लिखिए. नेक्स्ट, सी नेक्स्ट चैप्टर में भी आपको वही दिया है, सॉरी नेक्स्ट एक्सरसाइज बी में भी आपको वही दिया है. कॉलम्स में ऑलरेडी आपको कुछ डिजिट्स दी हुई है ना, ऐड करके लिख लेना है ओनली आपको, लाइक दिस. अब विदाउट कैरी थे लास्ट वाले, अब विद कैरी आएंगे, मतलब आप यहाँ पर बोरो लेना,
दिखता है ना वैसे, लेकिन वो सब्ट्रैक्शन में हम ज़्यादा लेते हैं, एडिशन में हम बोरो नहीं लेते हैं, कैरी करते हैं. 7 and 3 is 10, 0 यहाँ और कैरी नेक्स्ट कॉलम में. 3 and 1, 4 or 1, 5. 4 and 2, 6. 5 and 4, 9. 3 or 1, 4. सी कितना मिला आपको, 49,650. इजीली आप कर सकते हैं इसे, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी किसी भी क्वेश्चन में. नेक्स्ट, अब देखिए फिर से वही क्वेश्चन लास्ट वाले की तरह. अरेंज द फॉलोइंग नंबर इन कॉलम एंड देन ऐड. सबसे पहले आप इनके लिए क्या बना लेंगे, कॉलम्स बना लेंगे. 1, 10, 100, 1000, मतलब जितने भी डिजिट्स हैं उसके अकॉर्डिंग आप कॉलम्स बना लेंगे. फिर दोनों नंबर्स को अलग अलग रो में लिखेंगे, फर्स्ट रो में ये नंबर, फिर सेकेंड रो में ये नंबर. ओके, ऐसे. फिर प्लस लगाकर एक लाइन खींच लेना. बॉक्स बनाने की आपको ऐसी ज़रूरत नहीं है किसी भी नंबर के लिए. और फाइनली इसका आंसर आप राइट डाउन कर देंगे. ओके स्टूडेंट्स, जैसे मैंने आपके लिए क्वेश्चन ऐसे करके रखा हुआ है, अरेंज इन कॉलम एंड ऐड. तो इसमें आप देख सकते हैं कॉलम में इसने अरेंज करने के लिए कहा है, और ऐड ये इस बुक का एग्जांपल नहीं है आपका, बट मैं आपको समझा रहा हूँ सिमिलर तरीके से होने वाला है. सबसे पहले कॉलम्स लिख लेंगे आप, 1, 10, 100, 1000, जो नंबर दे रखी है उसे पार्ट के संग लिख लेंगे कोमास के साथ. अब फर्स्ट रो में फर्स्ट नंबर लिख लिया, सेकेंड नंबर सेकेंड रो में, थर्ड नंबर थर्ड रो में, मतलब जितनी भी नंबर्स दे रखी हों, 3 हो, 4 हो, 5 हो, सब कॉलम्स पहले बना लेंगे. ये 1, 10, 100, 1000, थोड़ी स्पेस छोड़ देना बीच में जिससे मिक्स नहीं हो. और फिर प्लस का सिंबल हर रो के बाद लगाते जाएंगे, और एक लाइन आप खींच लेना ऐसे हॉरिजॉन्टल, और फिर इन्हें ऐड करके उनका आंसर, बस इतना करना है आपको इन नोटबुक. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट सिमिलर तरीके से आपको सेकेंड पार्ट हो जाएंगे. आप नोटबुक में सिर्फ वही क्वेश्चन करेंगे जो यहाँ पर नहीं कर सकते टेक्स्ट बुक में, जैसे ये क्वेश्चन है इनके यहाँ पे नहीं कर सकते हम, ये यहाँ कर सकते हैं. तो लास्ट एक्सरसाइज और ये वाली एक्सरसाइज किस में हो जाएंगी, ओनली बुक में ही हो जाएंगी. देखो ये भी यहाँ पे आप कर सकते हैं, स्पेस है. बस आपको इस वाले क्वेश्चन के लिए क्या करना था, नंबर नेम नोटबुक में लिख देना, ठीक है. बाकी सब सॉल्व यहीं पर लिख देना इनके आंसर्स. और सेकेंड वाला क्वेश्चन ये यहाँ नहीं हो सकता था, तो इसे भी आप क्या करेंगे, नोटबुक में करेंगे एक्सरसाइज ए में. अब हमने एक्सरसाइज बी करी थी, इसमें भी स्पेस है ना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए, आप यहीं पे कर सकते हैं ना. कौन सी नोटबुक में करेंगे आप, क्वेश्चन नंबर 2 को. और क्वेश्चन नंबर 3 भी आप नोटबुक में कर सकते हैं. सी क्या बोला है उसने, फाइंड द सम. सम कैसे करते हैं, सम मीन्स क्या होता है, एडिशन. तो इसे मैं आपको करके देता हूँ. देखें यहाँ पर क्लास फोर्थ चैप्टर 4 एक्सरसाइज बी. ओके स्टूडेंट्स, और क्वेश्चन नंबर है आपका 3. क्या करना है आपको, फाइंड द सम. सम क्या होता है, सम मीन्स एडिशन होता है. ओके स्टूडेंट्स, तो एडिशन किसका करना है, 15,000 + 500 + 16 tens + 18 ones. तो सबसे पहले लिख लीजिए 15,000. ए वाला है इसका पोर्शन. 15,000 में क्या होती है, 3 zeros. 5 क्या है, hundreds. ओके स्टूडेंट्स, 16 tens का कितने होते हैं, 160. सिमिलरली यहाँ देखिए कितने वंस हैं, 18 ones. तो 18 ones क्या होते हैं, 18. देखिए मैंने कॉलम्स में एडजस्ट कर लिया है ना, 1, 10, 100, 1000 हो गया स्टूडेंट्स. और ये वाला जो वन था आपका 15 वाला, ये हो जाएगा 10,000. ओके, सभी के कॉलम्स हो गए आपके पास. सेपरेटली अब एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए, और इन्हें क्या करना है, ऐड. 8000 क्या आएगा, 8. 6 और 1, 7, फिर 0, 0. 5 और 1, 6, फिर 0. यहाँ कुछ नहीं है, 5. यहाँ भी कुछ नहीं है, यहाँ. तो आपका नंबर क्या आया, 15,678. तो ये था इसका सम. तो आप डायरेक्टली इसे कर सकते हैं ना, कोई आपको ऐसे लाइन बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है. बस ऐसे कॉलम्स लिख लीजिए और नंबर्स को थोड़ा दूर दूर लिख लेना,
और फिर उन्हें लास्ट में ऐड करके रिक्वायर्ड आंसर लिख दीजिए. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ में आपको मिसिंग डिजिट दे रखा है, इसे आप नोटबुक में करने की ज़रूरत नहीं है. नोटबुक में ओनली क्वेश्चन टू एंड थर्ड करेंगे एक्सरसाइज 4B का. अब सोचिए 7 एंड 4 क्या होते हैं, 11. 11 में आपने क्या ऐड किया है कि इसके आंसर में 7 आ रहा है. सोचिए अगर कम से कम आप 0 भी जोड़ेंगे तो 11 में 11 आएगा, 7 कैसे आ रहा है. तो ये नंबर 7 नहीं है, 7 से बड़ी नंबर होगी. मान लीजिए ये हो है आपकी 17, जिसकी 7 यहाँ पर है और कैरी 1 यहाँ पर है. ओके स्टूडेंट, तो 7 एंड 4, 11 में आपने क्या जोड़ा कि 17 हो गई, लिख लीजिए 6. क्यों, 7 एंड 4 11 होते हैं और 11 एंड 6 17, 17 की 7 और 1 कैरी, 9 और 1 10, 10 और 8 18, 18 में क्या जोड़ा कि आंसर 0 हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता. ये जरूर इससे बड़ी नंबर है, कम से कम 18 आ रहा है. 18 के पास 0 कब आती है, 19, 20, 20 में. तो ये जरूर 20 थी जिसकी 0 यहाँ पर है और 2 कहाँ गई, कैरी यहाँ पर थी, हमें दे नहीं रखे, हम सोचेंगे. तो अब सोचो 9 और 1 10, 10 और 8 18, 18 में क्या जोड़ा, 20 हो गए 2. अब 0 यहाँ पर है और 20 की 2 कैरी इधर. अब इन्हें ऐड कर लीजिए, 4 एंड 1 5, 5 एंड 4 9 एंड 2 11 की 1 और 1 अगेन कैरी, 8 एंड 1 9, 9 एंड 3 12, 12 में क्या ऐड करें कि आंसर 6 हो जाए, नहीं हो सकता है, जरूर 16 था इसकी कैरी 1 यहाँ पर है. तो अब सोचिए 8 एंड 1 9, 9 और 3 12, 12 में क्या ऐड किया कि 16 हो जाए, तो हमने ऐड किया था 4, यानी 16 के लिए आपको 12 में ऐड करते हैं 4, तभी तो आता है. 2 और 1 3, 3 एंड 1 4, 4 में क्या ऐड किया, 10 आ जाए, सिंपल 6. तो आप इस तरीके से इस मिसिंग डिजिट वाले को कंप्लीट कर सकते हैं इन टेक्स्ट बुक, नोटबुक में करने की ज़रूरत नहीं है. तो नोटबुक में आपको कौन से क्वेश्चन करने हैं, फाइंड द सम और अरेंज द फॉलोइंग नंबर इन कॉलम्स एंड एड देम. तो ये आपको नोटबुक में करने हैं. ओके स्टूडेंट्स, अब आते हैं हम लोग एक्सरसाइज सी पर. देखो एक्सरसाइज सी में क्या है, आपको कुछ प्रॉपर्टीज के संग इन्हें ऐड करना है. वो बोला है ना, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन. इस चैप्टर से ठीक पहले हमें कुछ प्रॉपर्टीज दे रखी हैं, एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ जीरो, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन और लास्ट में आपको क्या दे रखा है, देखिए प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन. जब हम ऐड करते हैं दो नंबर्स को तो हम उन्हें किसी भी ऑर्डर में ऐड कर सकते हैं, वी कैन ऐड देम इन एनी ऑर्डर. ऑर्डर क्या होता है, ए के बाद क्या आता है बी, बी के बाद क्या आता है सी, ये ऑर्डर होता है. ओके अगर लेकिन मैं इसे ऐसे लिख दूँ, ए के बाद आता है डी और डी के बाद आता है बी, ये क्या होगा, रॉन्ग ऑर्डर. ये कैसा होगा, करेक्ट ऑर्डर. सही है कि नहीं. तो ऑर्डर में आपको लिखना है एक नंबर, मतलब बारी बारी. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन में हम क्या करते हैं कि दो नंबर्स कोई भी हमें दे रखे होते हैं, जैसे एग्जाम्पल में ये दो नंबर हमें क्या दे दिए हैं, ठीक है, इन्हें हमें क्या करना है, ऐड. ऐड करेंगे तो पहले किस में लगाएंगे, कॉलम्स में. देखो यही नंबर है क्या, हाँ यही है, ऐड कर लिया आपने, कैरी वाली थी, आंसर आया 37742. पर इसने क्या बोला है, आप इसे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में करते हैं तो ये जो नंबर दे रखे हैं इनको बदल बदल के ऐड करेंगे. मींस फर्स्ट वाली ये थी, सेकंड वाली ये थी, ऐसे ही तो लिखा है. पर अब इसने क्या किया कि सेकंड वाली को फर्स्ट वाली बना दिया यहाँ देखो, और फर्स्ट वाली को क्या बना दिया, सेकंड वाली. तब भी उसका आंसर क्या आ रहा है, वही आता है. तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर आप कोई भी नंबर दे रखे हैं, जैसे वो बोल रहा है आपसे 2 और 1 को ऐड करो, तो हम क्या करेंगे 2 और 1 को ऐड करने के लिए, 2 और 1 कितने होते हैं 3. अब मैं इसी तरीके से इसे चेंज करके लिख रहा हूँ, 2 और 1 ऐड नहीं करूँगा मैं, अब मैं 1 और 2 ऐड करूँगा, मतलब वही नंबर है आगे पीछे कर दो, तब भी आंसर क्या आ गया 3. तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है कि अगर आप दी गई नंबर्स की जगह बदल देते हैं, फर्स्ट ये था सेकंड ये था, अब यहाँ देखना सेकंड ये है और फर्स्ट ये है और सेकंड ये बन गया है. पहले फर्स्ट पे 2 थी, अब सेकंड पे 2 हो गई, पहले सेकंड पे 1 था, अब फर्स्ट पे 1 आ गया है, तब भी आंसर दोनों के क्या हैं सेम.
तो इसीलिए उसने बोला है कि चाहे आप जगह बदल देने से कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर हमेशा क्या आता है, इक्वल। ये कौन सी प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन थी? कॉम्यूटेटिव। तो देखना आपका एक्सरसाइज सी का फर्स्ट वाला 75888 में क्या जोड़ूं कि 75888 ही आ जाए। तो हमने कुछ नहीं जोड़ा क्योंकि कम से कम वन भी जोड़ोगे तो क्या बन जाएगी, 79588 बन जाएगी, 79589। पर इसका आंसर तो 88 ही है, तो हम इसमें कुछ नहीं जोड़ा, क्या है वो, जीरो। ये कौन सी प्रॉपर्टी है? एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। वो क्या कहती है? कोई भी दी गई नंबर में अगर आप जीरो जोड़ते हैं या जीरो में वो नंबर जोड़ते हैं तब भी वही नंबर आंसर में आती है, उसमें कुछ नहीं बदलता। देखो कुछ नहीं बदला, कुछ नहीं बदला, कुछ नहीं बदला, कुछ नहीं बदला, वही की वही नंबर है जो जोड़ी थी जीरो में, वही की वही नंबर है जीरो में जोड़ी थी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि अगर आपको कोई नंबर सेम टू सेम लानी है कुछ ज़्यादा जोड़े बिना, तो उसमें आप जीरो जोड़ोगे तो वही नंबर आपको मिल जाती है इक्वल में। तो कौन सी प्रॉपर्टी है इसमें? एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। देखिए कितनी आसान है। नेक्स्ट, अब आप बताओ इस नंबर में अगर मैं जीरो जोड़ दूंगा, और पहले बोल रहा है कि जीरो जोड़ने पे क्या होता है, कुछ नहीं होता है, तो यही नंबर लिख देंगे ना, 44144। जीरो में मैं क्या जोड़ूं कि इसका आंसर ये आ जाए? थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा है ये भी एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी ऑफ जीरो, ये भी एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ जीरो, इन सभी जगहों पे वही है, ठीक है, ये कि यही है एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ जीरो, एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। जीरो में क्या जोड़ोगे इसका आंसर ये आ जाए, तो यही नंबर जोड़ोगे तभी तो आएगा, क्योंकि जीरो जोड़ने से कुछ नहीं बदलता। सभी इजी है कि नहीं है? देखो अब फिर से सोचो कि इसमें जीरो जोड़ रहा हूं तो यहाँ पे क्या ये नंबर आई है, आंसर ये है, तो यहाँ पे हमने क्या लिखा होगा कि इसका आंसर यही आ जाए जीरो जोड़कर, तो वो ये नंबर थी जिसमें हमने जीरो जोड़ा और फिर से यही आ जाएगी। देखो जीरो में कुछ भी जोड़ते हैं वही आ जाता है, कैसे भी जोड़ दो आगे पीछे करके। नेक्स्ट नंबर क्या है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, जरा देखना ये नंबर यहाँ है या नहीं है, ये है पर ये भी है, ये दोनों मिल गई हमें दोनों तरफ इक्वल के, लेकिन ये नहीं मिली, तो इस प्लस में हम यहाँ पर इस नंबर में ये जोड़ेंगे तभी इस नंबर में भी यही जोड़ना पड़ेगा, तभी इन दोनों को ऐड करके जो आंसर आएगा, और फिर इन दोनों को ऐड करके जो आंसर आएगा वो आपस में इक्वल होंगे, इक्वल तभी आ सकते हैं दोनों तरफ बराबर होना है। तो यही नंबर थी, अब देखना 41937 यहाँ है यहाँ भी है, प्लस हो रहा है प्लस हो रहा है, एक नंबर गायब है इधर, वो कौन सी होगी? यही होगी। कौन सी प्रॉपर्टी है ये? इसमें प्रॉपर्टी है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, जगह बदलने पे आंसर वही रहता है। फिर सोचो 41937 यहाँ है यहाँ भी है, ये नहीं है ये नहीं है, यहाँ प्लस हो रहा है यहाँ भी प्लस हो रहा है, इक्वल तब होगा जब ये आ जाएगी यहाँ पर। कौन सी प्रॉपर्टी? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, यही आ जाएगी। अब अगली देखो, एक क्लास प्रॉपर्टी, अब आपकी इसमें थ्री प्रॉपर्टी दे रखी हैं आपको, ये थर्ड क्लास में भी है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, इसमें क्या होता है आपको एग्जाम्पल में दे दी, दो से ज़्यादा नंबर होती हैं इसमें हमेशा, देखो 1 2 3, दो से ज़्यादा है ना 3, हम पहले इनमें से कोई भी किसी को भी ऐड कर लेते हैं, ठीक है, ऐड फर्स्ट ये दोनों ले लेते हैं, चलो 42304 42304, दूसरी क्या है 14313 14313 लिख ली, ऐड करके ये आंसर आ गया, फिर उसमें मैंने ये जोड़ दिया, यही आंसर मैंने यहाँ लिख लिया है, अब इसमें ये ऐड कर रहा हूँ। तो हमने देखा कि इन दोनों के आंसर को पहले जोड़कर जो आंसर आया है उसमें मैंने तीसरी नंबर को ऐड किया तो 78930 आ गया। अब मेरी मर्जी है, मैं इन दोनों को ऐड नहीं कर रहा, अब मैं इन दोनों को ऐड करूँगा, देखो 14313 22323 13 इसका आंसर इतना आ गया। अब इस आंसर में मैं बची हुई नंबर इसे ऐड करूँगा 42304, देखो ये आंसर मैंने यहाँ लिख लिया, आप जो बची हुई नंबर थी वो लिख ली, आंसर क्या आया 78930, पहले चेंज कर दिया था, पहले किसी और को जोड़ा था तब भी वही आंसर आया। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी काम करती है, पहले किसे ऐड कर रहे हो हमारी मर्जी है तब भी आंसर वही आएगा अगर नंबर्स वही रहती हैं। तो देखो ये पहले तीनों
वही नंबर मैंने फिर तीनों ली, लेकिन पहले इन दोनों को जोड़ा फिर आंसर में इसको जोड़ा, लेकिन यहाँ पर मैंने पहले इन दोनों को जोड़ा फिर उसके आंसर में ये जोड़ा, तब भी आंसर दोनों की तरफ क्या आ गए 78930 78930। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वो होती है जिसमें ब्रैकेट लगा रहता है। देखो यहाँ ऐड हो रहा है 10, ये नंबर है क्या दोनों तरफ इक्वल लगाए, ये है ये रही, ये है ये रही, ये है नहीं है, तो यहाँ पर क्या थी 5199। पहले इन दोनों को जोड़ लो, जो आंसर आया उसमें ये आएगा ऐड करके। अब इस ब्रैकेट इस तरफ है तो पहले इन दोनों को जोड़ लो, जो आंसर आया उसमें इतना ऐड करना है, तभी आपस में क्या होंगी इक्वल। ये सॉल्व नहीं करनी है, बस आपको दिमाग से सोचनी है कौन सी प्रॉपर्टी हो गई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन। अगले वाले में ब्रैकेट लग गए, ये है ये है कौन सी नहीं है, ये लिख लो क्या हो जाएगी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। इसमें भी ऐसे आप इस एक्सरसाइज को आसानी से कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलिए एक्सरसाइज डी में आते हैं। अब आपको कुछ लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चंस हम सिखाएंगे। लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चंस में क्या है कि एक वीडियो लाइब्रेरी में इतनी सीडी है ओल्ड मूवीज़ की, इतनी है न्यू मूवीज़ की एंड इतनी है ऑफ इंग्लिश मूवीज़, ओल्ड मूवी न्यू मूवी और इंग्लिश मूवी, बताओ कितनी सीडीज़ हैं टोटल लाइब्रेरी में। उसने अब ये नहीं पूछा कौन सी वाली है, सीडीज़ पूछी हैं, सीडी ओल्ड न्यू और इंग्लिश तीनों को ऐड करने के बाद जो आएंगी वो होगी लाइब्रेरी में टोटल सीडी। ओके, तो इसे हम कैसे करेंगे ये मैं आपको सिखाऊंगा आपकी लिए स्पेशली। तो देखिए लैंग्वेज यूज़ करनी है आपको, तो उसने बोला था ओल्ड मूवीज़ की सीडी इतनी, न्यू इतनी है और इंग्लिश मूवीज़ की इतनी है, टोटल सीडी कितनी है, हाउ मेनी सीडी आर देयर इन द लाइब्रेरी। तो क्वेश्चन में जो दे रखा होता है ना गिवन, उसे लिख लेते हैं। गिवन आपको दिया है ओल्ड मूवीज़ की सीडी, लिख दो सीडीज ऑफ ओल्ड मूवीज़ कितनी दे रखी हैं, मैं आपके लिए जल्दी से लिख देता हूँ क्योंकि वीडियो की लेंथ ज़्यादा हो गई है। ओके एक मिनट। तो स्टूडेंट्स आप क्वेश्चन में से क्या करेंगे कि कुछ लाइंस यूज़ करेंगे, जैसे ओल्ड मूवीज़ की सीडी क्या थी 26,000, न्यू मूवीज़ की 58,769, इंग्लिश मूवीज़ की 6,60,000। तो उसने बोला था हाउ मेनी सीडीज आर देयर इन लाइब्रेरी, टोटल सीडी लाइब्रेरी में कितनी होगी, इन तीनों को क्या कर देंगे कॉलम्स में लिख देंगे। तो सबसे बड़ी नंबर कौन सी है देखना, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 हैं, सबसे पहले ये लिख लेते हैं, डिजिट्स काउंट करने हैं आपको, ठीक है, वैसे बड़ी नहीं, तो मैं कॉलम्स में लिख देता हूँ एक मिनट। अच्छा तो स्टूडेंट्स ये क्या माइनस करके आएंगे या ऐड करके आएंगे, जरा सोचना, टोटल कह रहा है उसने, कुछ कम तो करी नहीं है बेची भी नहीं है, तो उसने टोटल कितनी है पूछी है, तो हम क्या करेंगे इन्हें कॉलम्स में लिखकर सिंबल ऑफ एडिशन लगा देंगे। देखिए मैंने लगा दिया, अब इन्हें ऐड कर दो, 9 के ऊपर कोई डिजिट्स है नहीं लिख लीजिए 9, 6 के ऊपर नहीं, 7 के ऊपर है क्या नहीं, 8 के ऊपर है यस, 8 और 6 14 की 4 और 1 कैरी, 6 और 1 7 एंड 2, 9 और 5 14, 6 और 1 7 उसके नीचे डिजिट है नो, तो लिख दीजिए क्या आया 7,44,769। तो ये थी टोटल सीडीज पूरी लाइब्रेरी में। ओके स्टूडेंट्स, तो इसी तरीके से आपको रिमेनिंग क्वेश्चंस भी करने हैं, जैसे मैं आपको समझा देता हूँ एक और। एक बिजनेसमैन ने क्या किया, डिपॉजिट किए बैंक में इतने रुपए, 6 महीने के बाद आफ्टर 6 मंथ ही डिपॉजिटेड इतने रुपए, मतलब पहले उसने इतने रखे थे बैंक में, फिर 6 मंथ हो गए फिर से दोबारा इतने रख दिए, तो बताओ उसके पास टोटल कितना डिपॉजिट है बैंक में, जमा करना होता है डिपॉजिट का मतलब, तो इन सबको हम माइनस करेंगे या ऐड करेंगे, उसने निकाले तो है नहीं, उसने जमा ही किए हैं, डिपॉजिट ही तो किया है देखो दोनों टाइम में, तो इन दोनों को क्या कर देंगे कॉलम्स में लिख के
ऐड कर देंगे, पर उससे पहले आप क्या लिखोगे? लैंग्वेज. ओके, थैंक यू.